तो साफ है कि पाकिस्तान बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है, तो वहीं भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि आतंकी हमलों में पाकिस्तान चीन के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और इसकी ट्रेनिंग उन्हें पाकिस्तान की सेना दे रही है। भारत में आतंकी हमलों के लिए पूरी साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तैयार कर रही है। आज चौथे रोज भी कुकरनाग में ऑपरेशन जारी है और जबरदस्त फायरिंग इस वक्त भी हो रही है। चीन के हथियार, पाकिस्तान में आतंकियों की ट्रेनिंग और घाटी में आतंकी साजिश। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में ISI की सबसे बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चीन में बने हथियारों की मदद से आतंकी साजिश को अंजाम दे रही है। POK के टेरर कैंप में पाकिस्तान के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग खुद पाकिस्तान की सेना दे रही है। यही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI घाटी में आतंक फैलाने के लिए आतंकियों को मेड इन चाइना हथियार मुहैया करा रही है। आतंकी कश्मीर में हमलों के लिए चीन के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI भारत के खिलाफ हमलों के लिए आतंकवादियों को चीन में बने विशेष उपकरण मुहैया करा रही है, जिनमें ग्रेनेड, पिस्तौल, नाइट विजन डिवाइस, ड्रोन और डिजिटल सुरक्षित संचार प्रणाली जैसी चीजें शामिल हैं। इससे पहले भी चीनी उपकरण से लैस हथियार आतंकियों के पास से बरामद होते थे, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से आमदा है आतंक को हर सूरत में वह कश्मीर में जिंदा रख सके। यही नहीं, पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों को POK में ट्रेनिंग देकर भारत में हमले के लिए तैयार कर रही है। उन्हें जंगल वॉरफेयर मॉड्यूल यानी जंगल में सेना की टुकड़ी पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है और इस तरह ISI भारत के खिलाफ आतंक का ट्रायंगल प्लान तैयार कर रही है। इस प्लान के तहत चीन में बने हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाया जाता है, उन्हें पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देती है और फिर उन्हें कश्मीर में हमले के लिए तैयार किया जाता है। आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए खास तरीके के डिजिटल मैप शीट दी जाती है, जिसमें घुसपैठ के लिए नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। POK में बैठे आतंकियों के आकाओं से सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस दिए जाते हैं, जिससे भारतीय एजेंसियां उनके संदेशों को डिकोड न कर पाएं। लेकिन हर मोर्चे पर ISI को मुंह की खानी पड़ रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान के हर आतंकी साजिश का करारा जवाब दे रही है। अनंतनाग हमले में भारतीय ड्रोन ने बड़ी ही मुस्तैदी से न सिर्फ आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया बल्कि उन्हें दुम दबाकर भागने पर भी मजबूर किया। और एक के बाद एक कुछ जगहों पर यह एनकाउंटर जारी है। 4 दिन अनंतनाग में हो चुके हैं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल आतंकियों को पकड़ना इतना मुश्किल आखिर क्यों हो जाता है। देखिए, आतंकियों की मदद कर रहा है पीर पांजाल जंगल, क्योंकि पीर पांजाल का जंगल बहुत घना है, बहुत बड़ा है। दरअसल जंगल घना है और बड़ा है, इसी वजह से आतंकी यहां घिर तो गए लेकिन पूरी तरह से उनकी घेराबंदी इतने बड़े जंगल में बहुत मुश्किल होती है। और आतंकी इस बीच एक कोई नया रास्ता ढूंढ लेते हैं और वहां से भाग निकलते हैं और नई जगह पर वो छुप जाते हैं। इसके अलावा जंगल आपस में सभी जुड़े हुए हैं और एक जंगल में वो घटना को अंजाम देते हैं और फिर उसके बाद जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर घुस जाते हैं, यानी अपना इलाका ही बदल लेते हैं। और फिर आतंकियों को इसलिए भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्होंने जंगल में ही अपने छिपने के ठिकाने पहले से बनाए हुए हैं,
कुछ गुफाएं ऐसी बनाई हुई है जिसकी जानकारी उन्हें पूरी तरह से होती है, झाड़ियों में वो छिप जाते हैं, मतलब कि प्राकृतिक ठिकानों का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेना वहां पहले पहल उन्हें सिर्फ ढूंढने के लिए पहुंचती है। और इन सब के अलावा कभी कभी आतंकियों से सहानुभूति रखने वालों के पास भी ये जाकर के छुप जाते हैं। हालांकि पीर पांजाल इलाके की अगर हम बात करें तो वहां के जंगलों में इनकी संख्या बहुत कम है। और कभी कभी आतंकी जगह के आधार पर लोकल लोगों को धमकी दे करके भी उनके घरों में अपने ठिकाने बना लेते हैं, या फिर कुछ और दूसरी तरीके से लोगों का सपोर्ट इन्हें मिल जाता है। अब एक दूसरे से बात करने के लिए यानी कि आपस के कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत स्मार्ट और प्रॉक्सी वाले ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, और इन ट्रैक्स को इन जो ऐप हैं उन्हें ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसके अलावा सफर करने के लिए वो ऑफलाइन ऐप की मदद भी लेते हैं जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, और इसी वजह से इन आतंकियों को इतने बड़े घने जंगल में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और चलिए अब बात जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन से जुड़ी हुई कर लेते हैं, क्योंकि लश्कर आतंकी हमलों की प्लानिंग बाद में करता है, हमले से निपटने के लिए सेना की तैयारी पहले ही शुरू हो जाती है। और कश्मीर में आतंकियों का जिस तरह से खात्मा किया जा रहा है एक के बाद एक ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, उससे लश्कर हिल चुका है और अब लश्कर ने एक नया पैंतरा खेला है। ये वीडियो देखिए, एक ड्रोन आया, ड्रोन से अचानक एक इंसान बाहर आया, इंसान नदी में कूद गया और कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े। ये वीडियो हमारे पास एक्सक्लूसिव है और ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये वो वीडियो है जिसकी छानबीन अब देश की ही नहीं दुनिया की कई बड़ी खुफिया एजेंसियां करने वाली हैं, क्योंकि आतंकवाद का एक नया मॉड्यूल है जिसमें ड्रोन से आतंकवादी की सप्लाई का नया फॉर्मूला निकाला गया है। आखिर क्या है आतंकवादियों की यह नई स्ट्रेटजी? आखिर क्यों आतंकवादी अब ड्रोन का इस्तेमाल करके आतंकवादी भेजने की प्लानिंग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये एक दो नहीं पूरे 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन पहले इस वीडियो का पूरा राज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये वीडियो पाकिस्तान के एक टेरर कैंप का है। ये पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के प्रशिक्षण केंद्र की तस्वीरें हैं। ड्रोन से कूदता हुआ जो शख्स आपको नजर आ रहा है उसे एक आतंकवादी बताया जा रहा है, और ये आतंकवाद की ट्रेनिंग चल रही है। जिनको भारत के अंदर घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा पर अब बहुत जबरदस्त बाड़बंदी हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में घुसपैठ से बचाव के लिए अति आधुनिक सर्विलेंस सिस्टम को लगाया जा चुका है। अब परिंदा भी भारत पाकिस्तान सीमा पर नहीं मार सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी आंखों की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। आईएसआई का चीफ किसी तरह भारत के अंदर हमले करने के लिए मौके की फिराक में है। आसिम मुनीर की भी कश्मीर पॉलिसी कोई काम नहीं आ रही है, क्योंकि धारा 370 को हटा दिया गया है और इसके साथ ही आतंकवादियों को भी बड़े पैमाने पर हटा दिया गया है। पाकिस्तान परस्त भगोड़े आतंकियों की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। ऐसे में अब लश्कर ने नई चाल चली है। अगर सील बंद बॉर्डर से घुसपैठ करवाना नामुमकिन हो गया है तो आसमान से घुसपैठ करवाना ही एकमात्र विकल्प है, और इसीलिए अब लश्कर ने एक नई साजिश रची है, और वो साजिश यही है कि अब ड्रोन के जरिए भारत की सीमा के अंदर आतंकवादी सप्लाई करने की टेरर प्लानिंग की जा रही है, और ये पूरा वीडियो लश्कर आतंकियों की उसी जद्दोजहद का है। इस ड्रोन के बारे में